जहां पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तीनों फिल्में पुन्नियन सेल्वन वर्सेस विक्रम वेदा वर्सेस नानू वेरवन कप होने वाले हैं एक बिगेस्ट क्लैश। और इस अपकमिंग क्लैश के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, तो अगर आप हो ऋतिक या विक्रम या फिर धनुष का फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। बात करूं पुन्नियन सेल्वन पार्ट वन को लेकर, जहाँ पर अपकमिंग हिस्ट्रिकल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है डायरेक्टर मणि रत्नम ने। और यह मणि रत्नम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि उन्होंने लास्ट 25 साल तक इस फिल्म को लेकर करी है प्लान। और इस फिल्म को टोटल टू पार्ट में रिलीज की जाएगा, जहाँ पर चिया विक्रम, जयम रवि और टीशा तीनों भाई और बहन के रोल में नजर आएंगे और ऐश्वर्या को इसमें डबल रोल में देखने को मिलेगी और जिसमें से एक विलेन वाला रोल होगा। और सच में इतने साल के बाद ऐश्वर्या को एक विलेन के रोल में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और जहाँ पर इस फिल्म का बजट रखा गई है 500 करोड़, और ऐसे करके इंडिया का वन ऑफ द बिग बजट वाला फिल्म बन गई है पुन्नियन सेल्वन, जहाँ पर यह फिल्म पैन इंडिया पर 30 सितंबर रिलीज होगा। और हमें उम्मीद है कि पुन्नियन सेल्वन फिल्म बाहुबली या फिर केजीएफ की तरह पैन इंडिया लेवल पर एक बिगेस्ट सक्सेस हासिल करेगा। अभी बात करूँ विक्रम वेदा को लेकर, जहाँ पर यह नियनर एक्शन थ्रिलर फिल्म है और यह है तमिल का ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल रिमेक। और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म का हाइप है स्काई हाई, क्योंकि ये फिल्म कॉपी पेस्ट वाला रीमेक फिल्म नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा थ्रिल और एक्शन के साथ पावरफुल डायलॉग भी ऐड की गई है इस फिल्म पे। और ऐसे करके इसमें एक अलग फ्लेवर ऐड हुआ है। और सबसे हाईलाइटेड पार्ट होगा ऋतिक रोशन का खुद का स्टाइल वाला परफॉर्मेंस, जहाँ पर स्टोरी सेम है पर आपको एक नया विक्रम वेदा देखने को मिल जाएगा और शायद इसी वजह से फिल्म को लेकर इतना हाइप क्रिएट हुआ है। और इसको डायरेक्ट करी है ओरिजिनल फिल्म का डायरेक्टर पुष्कर गायत्री ने। और जहाँ पर यह फिल्म हिंदी पे 30 सितंबर रिलीज होगा। और अभी बात करूँ नाने वरविन को लेकर, यह अपकमिंग सस्पेंस ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है सिल्वर अगवान ने। और इसमें धनुष राजा एलिया ब्राम लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का स्टोरी धनुष राजा ने खुद लिखा है और इसमें धनुष को डबल रोल में नजर आएंगे, जहाँ पर एक हीरो वाला रोल, दूसरा होगा विलेन वाला एफ्तर। और इस फिल्म पे धनुष को एक इंटेंस एफ्तर में नजर आएंगे। और जहाँ पर इस फिल्म के साथ डायरेक्टर सिल्वर अगवान और धनुष राजा का होगा 5th कोलाबोरेशन। और ये फिल्म तमिल पे सेम डेट यानी कि 30 सितंबर रिलीज होगा। दोस्तों जहाँ पर तीनों फिल्में अपने अपने स्टेट पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर पाएगा, पर पुन्नियन सेल्वन पैन इंडिया पर रिलीज हो रही है तो फिर इस फिल्म के लिए एक हार्ड कंपटीशन हो जाएगा। और देखा जाए तो हिंदी बेल्ट पर पुन्नियन सेल्वन का कलेक्शन लाना टफ हो जाएगा, पर कलेक्शन ज़्यादातर ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ का ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों आप कौन से फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है कौन से फिल्म करेगा इस क्लैश पे बाजीमात, कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन स्टोरी अपडेट पाने के लिए मलेशिया जैन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।